छात्र सबको शुभोदय। आज हमारा चौथा सत्र शुरू होने वाला है, तो हमें इससे पहले तीन सत्रों में बदले अपनी सोच के अंतर्गत पहले दूसरे और तीसरे भाग को हम पढ़ चुके थे। अब हमें इस पाठ के चौथा भाग को हम आज पढ़ेंगे। तो छात्र एक बार देखिए, आज हमें यहाँ से लेकर आदरणीय नेतागण आखिरी परिच्छेद यहाँ तक पढ़ेंगे। चलो छात्र, मैं अब आदर्श वाचन करके पाठ को सुनाऊंगा। महात्मा गांधी ने आदरणीय नेतागण जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचे। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। पक्षी आसमान में उड़ता है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है, लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। इससे हम परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े, अपनी जन्मभूमि को बचा लें, अपने घर को बचा लें, अपनी धरती माँ को बचा लें। धन्यवाद। तो आदरणीय नेतागण से लेकर यहाँ तक जयवरत्न श्रीवास्तव ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषण शुरू की है, उस भाषण ने इस आखिरी परिच्छेद से ये भाषण समाप्त हो रहा है। तो छात्र, मैं जो आदर्श वाचन करके तुम लोगों को सुनाया था, तुम भी वैयक्तिक वाचन करके घर में एक बार पढ़ लीजिए। तो तुम लोगों ने इससे पहले जिस प्रकार मैंने किया था, उसी प्रकार यहाँ पर कठिन शब्दों का भी मैंने लिखा था, और इसके बाद हमें पाठ पठन के अंदर सरल प्रश्नों के द्वारा मैं पाठ को समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो छात्र एक बार देखिए अर्थों को। तो नादान हमारे डॉक्टर, लुप्त अदृश्य, लालच आशा, परिवर्तन आपको, तैरना पिता, चीता चिंता, बुद्धि ज्ञान, जो इस प्रकार कठिन शब्दों के अर्थों को हमें देख सकते हैं। इससे भी और भी कठिन शब्द अगर तुम लोगों ने इसमें यहाँ पर जो रेखांकन किए तो तुम लोगों ने शब्दकोश की सहायता ले लो। तो मैं अब इस पाठ के अंतर्गत मैंने जो पाठ पठन पर चर्चा करने जा रहा हूँ, तो देखिए, तो इस पैराग्राफ के अंतर्गत छोटे छोटे प्रश्न के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा था। एक बार देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 तक है क्लोजअप। तेलंगाना में कैसी नीति बनाने के लिए कहती है, ओके। युवरत्न ने, तो युवरत्न तेलंगाना में कैसी नीति बनाने के लिए कहती है जो नेतागण से। तो यहाँ पर देखिए, युवरत्न यहाँ पर देखिए छोटी सी जो छुट्टी आया है यहाँ पर नेतागण से, यहाँ पर लिख लीजिए नेतागण से जो तेलंगाना में नेतागण से कैसी नीति बनाने के लिए कहती है। तो पहले परिच्छेद में तो कहती है, तो आदरणीय नेतागण जब आपको ये नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त होते जानवरों के बारे में सोचने के लिए वह नीति बनाने के लिए कहती है। युवरत्ना ने नेतागण से कैसी नीति बनाने के लिए वो कहती है, यानी बच्चों के बारे में और लुप्त जानवरों के बारे में एक अच्छे सोच यानी नीति बनाने के लिए वो विनती कर रही है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था इस संदर्भ में, महात्मा गांधी और संदर्भ में एम चेपर। तो गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है, किसी के लालच की नहीं। धरती यानी भूमि जो पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। ये भूमि अनेक रकालैनटुवंटि अंशालनु, तो मनकु कावाल्सिन अनेक अवकाशालनु अनेक रकाल सदुपायानि कल्पिंचडानिकि सिद्धंगा उंदि। कानी ఏదైతే భూమి మనల్ని భరిస్తుందో, భూదేవి మనం భరిస్తుందో, ఆ భూదేవి ఎటువంటి ఆశని ఎటువంటి ఆలోచనని మనం ఏదైనా ఇస్తామనేటువంటి ఆలోచన తనకి ఏమాత్రం ఉండదు. ఎంత మనం ఎంత ఇస్తే అంత మనల్ని భరించడానికి భూదేవి సిద్ధంగా ఉంది.
जो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है ఎన్ని రకాల సదుపాయాలు ఎన్ని ఎన్ని రకాల సౌలభ్యాలు మనం కోరుకుంటున్నాం అన్నీ భూదేవి మనకి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. తన స్వార్థంతో ఏమీ తనకంటూ ఏమీ కోరుకునే పరిస్థితులు లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పాడు. తో జో ధర్తీని హమారే బహుత్ కుచ్ దేనికి లియే ఓ తయారు హై లేకిన్ ఓ కిసి ప్రకార్ కి లాలచ్ ఉస్మే నహీ హై తాకి స్వార్థ పరతా కి భావనా సే. तो और एक तीसरी प्रश्न यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी ने धरती के बारे में क्या बताया, यहाँ पर बताया गया. और युगरत्न प्रकृति के जीव जंतुओं के बारे में क्या कहा, युगरत्न ने यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया है जो इस प्रकृति में रहे जो जीव जंतु उनकी प्रत्येकता उसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में क्या कही है अपने भाषण में. जो पक्षी आसमान में होती है, मछली पानी में तैरती है, चीता तेजी से दौड़ता है. तो ये ప్రకృతిలో ఏ ప్రాణికి ఉండే ప్రత్యేకత ఆ ప్రాణికి ఉంది. ముఖ్యంగా పక్షులు ఆకాశంలో ఎగరగలుగుతాయి, అలాగే చేపలు నీళ్ళలో ఎగరగలుగుతాయి, అలాగే చిరుత చాలా వేగంగా పరిగెట్టగలుగుతుంది. జో ప్రకృతి మే ఇతనే జీవ జంతు హై తాకి ఉసే అప్ని అప్ని ప్రత్యేకత అప్ని అప్ని విశిష్ట హై. ఏ బాత్ ముఖ్య రూప్ సే ఏక్ బిందు కే రూప్ మే అప్నే భాషణ మే సునాయి హై. తో యువరత్న తో ఇతి చౌథా ఈశ్వర్ నే హమే క్యా వరదాన్ దియే హై. तो भगवान ने मनुष्यों के लिए, जो पक्षियों के लिए, चीता के लिए और मछली के लिए किस प्रकार वरदान दिए हैं, ईश्वर ने मनुष्य के लिए एक वरदान दिए हैं. क्या वरदान है, हमें सोचने के लिए बुद्धि दिए है, मन का आलोचने अद्भुतमैनटुवंटि ज्ञानाने ఒక వరంగా ప్రసాదించాడు భగవంతుడు. ఓ బత రహి హై. తో ఆఖరి ప్రశ్న హై, యుగరత్న కిసే బచానే కే లియే అప్నే భాషణ మే కహా. తో ఆఖిర్ అప్నే భాషణ మే పహలే సే మై బోల్ రహా హూం ఓ పర్యావరణ కే బారే మే, ప్రకృతి కే సంరక్షణ కే బారే మే అప్నే భాషణ మే ప్రముఖ రూప్ సే యహాన్ పర్ బత రహి హై. తో ఏ ప్రశ్న, ఆఖరి ప్రశ్న హై, కిసే బచానే కే లియే అప్నే భాషణ మే, ఏమీ రక్షించాలని చెప్పి తన ప్రసంగంలో చెప్తుంది. తో కిసే బచానే కే లియే, तो अपने जन्मभूमि को बचा लें, अपने घर को बचा लें, अपने धरती माँ को बचा लें. तो मन जन्मभूमि ने, मन इंटी ने, मन भूमि ने, मन भूदेवी ने रक्षించుకోవడం కోసం తన గట్టిగా తన ప్రసంగంలో అద్భుతంగా చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి మేధావులందరినీ కూడా ఆలోచింపజేసే ప్రయత్నం యువరత్న శ్రీవత్సవమే, శ్రీవత్సవమే తీయే. तो धन्यवाद. इसमें जो बद्र सोच प्राप्त अंतर्गत पर्यावरण के रक्षा के बारे में, प्रकृति के संरक्षण के बारे में, धरती माँ की संरक्षण के बारे में अपनी शैली में, तो अपने अपने विवेचन के साथ वह सभी मेधावों को, सभी ज्ञानियों को सचेत करने का प्रयत्न किया है. तो यहाँ तक ये पाठ हो गया है. तो अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया, तो पाठ के बाद में जो आती है अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया. छात्र यहाँ पर आप तुम लोग देखिए, आ आ ई ई ये जो चार है, ये सिर्फ तुम लोग इस प्रश्नों को पढ़ के और अपने अपने स्वीय विचारों को यानी व्यक्त करने के लिए यहाँ पर अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया पाठ तुम लोगों ने कहाँ तक समझ लिए हैं उसके प्रति यहाँ पर कुछ दो तीन प्रश्न दिए हैं. तुम लोग घर पर पढ़िए और इसके जो मैंने पहले बात से लेकर पहले बार, दूसरा बार, तीसरा बार, चौथा बार, सभी चार बार में मैंने सरल प्रश्नों के रूप में मैंने जो पाठ को समझाने का कोशिश किया था, वो सभी उत्तर इन सरल प्रश्नों के अंतर्गत हम तुम लोग देख सकते हैं. तो ये सरल प्रश्न आप घर पर देखिए और वाक्य को सही क्रम में लिख सकते हैं. पाठ के एक बार पढ़िए और ये में अनुच्छेद दिए गए हैं, इस अनुच्छेद को पढ़कर इस अनुच्छेद के अनुसार तीन प्रश्न को तैयार कीजिए और उन प्रश्नों के उत्तर तीन वाक्यों में, और ये में दिया है प्रश्नों के तीन प्रश्नों के उत्तर भी बोलने के लिए कहा गया है. तो सभी मैंने जिस प्रकार तुम लोगों को पाठ पढ़ाया था उसी प्रकार अर्धग्राह्यता प्रतिक्रिया जो दक्षता है इसके अंतर्गत पाठ तुम लोगों ने कहाँ तक समझ लिए हैं इसके अनुसार तुम क्या करें, वो सभी आप ई ई पढ़कर उसके अंतर्गत तुम लोग उत्तर लिखने के लिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए. अगर इसमें कोई समस्या आ जाए तो अपने अध्यापक से संपर्क कीजिए. ओके, धन्यवाद. अगले सत्र में हमें अभ्यर्थी सृजनात्मकता और भाषा के बाद पढ़ेंगे. ओके.